दोस्तों आप रोजाना कई कई वेबसाइट का जो है यूज करते होंगे अपने इंटरनेट की मदद से। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं, अगर मैं आपसे कहता हूँ दोस्तों कि आपको बताना है वेबसाइट देखते ही कि वो वेबसाइट जो है रियल है या फिर फेक है, तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा वो है HTTP वर्सेस HTTPS। यानी दोस्तों HTTP क्या है और HTTPS वर्सेस HTTP जो है उसके हम कैसे यूज़ करते हैं और हम कैसे पहचान सकते हैं कि जो हम वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं वो वेबसाइट जो है वो रियल है या फिर फेक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं HTTP लिखा हुआ है मेरे पास, और इसकी जो है दोस्तों फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यानी दोस्तों आप इस फुल फॉर्म से तो समझ ही गए होंगे कि किसी चीज़ की ट्रांसफ़र की बात की जा रही है। अगर आप दोस्तों इंटरनेट यूज़ करते हैं और आप वेबसाइट पे जाके उसमें कोई URL पढ़ते हैं या फिर आप कोई इमेज देखते हैं या एंटरटेनमेंट जो भी है, जो भी एनीवन आप करते हैं उसमें, तो दोस्तों आपका जो है उसमें से थोड़ा सा जो है डेटा चले जाता है। यानी दोस्तों उसमें जब आप अपनी वीडियो अपलोड करते हैं या फिर कोई अपना जो फ़ोटो है वो फ़ोटो जो गूगल फोटोज़ है उस पर अपलोड करते हैं, तो दोस्तों इसमें जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। यानी दोस्तों हर जो गूगल की जो जो एप्लीकेशन बनाता है गूगल, वो हमेशा HTTPS में रहते हैं। पर दोस्तों अगर आप HTTP की जो वेबसाइट है उसको अगर आप विजिट करते हैं तो दोस्तों आपको जो है नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको चलिए ब्राउज़र पे लेके चलता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आप जो है कैसे पहचान सकते हैं कि जो वेबसाइट है वो रियल है या फिर फेक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे YouTube.com जो है मेरे पास यहाँ पे खुला हुआ है। ये देख सकते हैं आप दोस्तों YouTube.com मेरे पास यहाँ पे खुला हुआ है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ध्यान से दोस्तों कि ये जो मेरे पास दिया हुआ है HTTPS, दोस्तों इसकी जो फुल फॉर्म है वो मैंने अभी आपको नहीं बताई है, मैंने आपको बताई है HTTP की फुल फॉर्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं HTTP और वर्सेस HTTPS जो है क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है HTTP की जो इसमें सिक्योरिटी है वो यहाँ पे लगी हुई है, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। दोस्तों इसमें जो है सिक्योर जो वर्ड यूज़ किया गया है वो जो कोई सी भी वेबसाइट है उसको जो है सिक्योर करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। जैसे दोस्तों आपने जब भी अपनी जो ट्रांजेक्शन है जब भी आप करते हैं गूगल गूगल पे से गूगल जोन से भी आप यानी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो दोस्तों आपको जो है हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो वेबसाइट है जिस पे आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं क्या वो HTTP की जो सिक्योरिटी है उस पे लगी हुई है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो है सिक्योरिटी लगी हुई है और यहाँ पे लॉक्ड भी बंद है। और अब मैं दोस्तों आपको जो है जो बेकार वेबसाइट है यानी फेक वेबसाइट है उसके ऊपर लेके चलता हूँ, और आप यहाँ पे देखते ही बता देंगे कि जो इसकी वेबसाइट है वो रियल नहीं है यानी फेक वेबसाइट है। तो मैंने जो है शैडो वेब जो वेबसाइट है एक जो फेसबुक हैकिंग की जो वेबसाइट है वो यहाँ पे खुली हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉट सिक्योर इसने लिखा हुआ दिखा दिया है, पर यहाँ पे आप देखेंगे यूट्यूब जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो HTTPS की जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर लगी हुई है, और यहाँ पे आप कोई भी सिक्योरिटी नहीं देखेंगे क्योंकि ये जो है सिक्योर नहीं कर पा रहा है गूगल कि ये जो वेबसाइट है वो सही है या फिर गलत है। तो दोस्तों आपको जो है हमेशा जब भी अपनी ट्रांजेक्शन करें जब भी आप पैसे का लेन देन करें, पर दोस्तों आप जो है उसमें देख लीजिए कि जो उसके ऊपर जो जो सिक्योरिटी लगी हुई है वो HTTP की है या फिर HTTPS की है। तो दोस्तों इसमें जो है मैं आपको एक डिटेल में और बता देना चाहता हूँ, जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं HTTP की जो ये है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, दोस्तों इसमें जो है क्या होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं HTTPS जो है यहाँ पे आ गया है, और इसमें जो है जब भी आप अपना जो डेटा है वो भेजते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं HTTP जो है यहाँ पे वर्सेस ये देख सकते हैं लॉक खुला हुआ है इसमें और यहाँ पे लॉक जो है वो बंद है। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे HTTP और HTTPS की जो सिक्योरिटी है वो कैसी है। दोस्तों ज़्यादातर जो वेबसाइट होती हैं वो HTTPS में ही मिलती है यानी इसमें जो है इसमें ही मिलती हैं, और ये जो वेबसाइट हैं वो हैकर्स जो हैं ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जो भी उनकी जो वेबसाइट पर जाता है तो उसे जो है उस वेबसाइट को या फिर उसकी जीमेल जो है उसको हैक कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको जो है ध्यान से जाना है, जो भी वेबसाइट आप खोलते हैं उसको आपको पहले देख लेना है कि वो HTTPS की जो है सिक्योरिटी में है या फिर HTTP की जो है सिक्योरिटी में है। तो दोस्तों जैसे आपने कोई वीडियो या कोई भी अपने जो है आपने कोई डॉक्यूमेंट्स भेजा या फाइल या वीडियो जो है अपलोड करी और उसमें जो है HTTP की जो है सिक्योरिटी लगी हुई है पर HTTPS की जो है सिक्योरिटी नहीं लगी हुई है, तो दोस्तों उसमें जो है आप जो हैकर हैं वो यहाँ पे आपके डेटा को जो है बीच में से
चुरा लेते हैं दोस्तों, अगर उसमें जो है HTTPS की जो सिक्योरिटी है वो नहीं लगी हुई है। तो दोस्तों आपको जो है एक बात का ध्यान इसमें ज़रूर देना है कि आपको जो है हमेशा जो सिक्योरिटी है वो HTTPS की ही लगानी है दोस्तों। इससे क्या है कि आपका जो डेटा है जितना भी वो जो है सिक्योर रहता है, और आप आपका जो जीमेल अकाउंट है या फिर जो भी आप अपना IP एड्रेस है वो आपका सिक्योर रहेगा इन हैकर्स की पहुंच से। तो दोस्तों आपको जो है एक बात का हमेशा ध्यान रखना है। तो दोस्तों अगर आपको ये जो मैंने वीडियो आपको बताया है कि HTTP और HTTPS की जो सिक्योरिटी है वो आपको कैसी लगी, तो दोस्तों वीडियो के कमेंट में करके ज़रूर बताना कि ये मैंने जो है रियल बताई है या फिर फेक बता रहा हूँ मैं आपको। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों मैं जो है आपको कंप्यूटर से रिलेटेड और मोबाइल से रिलेटेड जो टिप्स एंड ट्रिक्स की जो वीडियोज़ हैं वो यहाँ पर मैं डालता रहता हूँ। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।